हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। खाओ पियो ऐश करो किचन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज सुबह 9 o'clock हो चुके हैं और मैंने सोचा कि कुछ नया, कुछ अच्छी डिश बनाई जाए ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे तो ये डिश जो है वो आप डिनर में, लंच में कभी भी बना सकते हैं, लेकिन आज हॉलीडे है तो मैंने सोचा कि आज सुबह मैं इसको सुबह ही बनाती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो है डिश वो है एक काबली डिश जिसको आश कहते हैं। ये एक अफ़गानिस्तान की बहुत ही पसंद की जाने वाली डिश है जो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और खाने में भी ये डिश बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस डिश के लिए मैंने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने इस डिश के लिए, आश के लिए यूज़ करनी है। सबसे पहले मैक्रोनी है, ये देखिए, ये पास्ता स्टाइल मैक्रोनी है। उबले हुए चने, उबली हुई राजमा, बारीक कटा प्याज, दही, हरी चटनी, ये फ्रेंड्स पुदीने की चटनी है जो मैंने पहले से ऑलरेडी बना के रखी है, नींबू, और ये सिरके में डाले हुए बारीक बारीक मिर्ची है जो गार्निश के लिए हमने यूज करनी है। चिकन का ये कीमा लिया है मैंने थोड़ा सा, पुदीना मसाला और अदरक और लहसुन की पेस्ट है। अब आप कहोगे कि मेरे जो पास्ता है उसका जो कलर है वो पानी का वो रेड क्यों है, क्योंकि मैंने जो चने और राजमा का पानी था वो फेंका नहीं, वो इसी में ही मैंने इस पास्ता को बॉईल कर लिया ताकि उसके सारा जो असर होता है वो हमारे पास्ता में चला जाए जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आश कैसे बनती है, लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्लीज क्लिक जल्दी से कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि हमने कीमा जो चिकन लिया है वो कैसे बनाना है। मैंने पैन में देखिए थोड़ा सा ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें अपनी अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो डालेंगे। इसके बाद हमने जो ऑनियन लिए हैं बारीक बारीक काटे हुए हैं वो हमने इसमें ऐड करने हैं। देखिए हमारा जो प्याज है वो थोड़ा थोड़ा सा लाल हो गया है, हमने इसको ज्यादा जलाना नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, ब्लैक पेपर, और मिक्स करने के बाद हमने इसमें अपना कीमा जो है वो डाल देना है। अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करके हमने इसको मध्यम आंच पे ढककर पकाना है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारा कीमा बना है कि नहीं। यस, हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए। अब हमने एक तड़का तैयार करना है। जो ये डिश है फ्रेंड्स, अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो कीमा नहीं बनाएगा, वो इसी तरह बाकी के सारे जो सामान है उसको ऐड करके वो इस डिश को खा सकता है। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मैंने ये कीमा बनाया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके लिए तड़का बनाने जा रहे हैं। हमारा कीमा बन चुका था। तड़के के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल डाला है, पानी डालो ऑयल, और अब हमने इसमें सूखा जो पुदीना लिया था उसको काफी सारा इसमें डालना है हमने, और पुदीने को अच्छी से हमने जला लेना है। ये देखिए, ये तड़का ही है और हमने इसको बनाना है। तो सबसे पहले हमने एक बहुत ही अच्छा सा बाउल लेना है, उसमें हमने सबसे पहले हमारी जो मैक्रोनी जो पास्ता है वो पानी के साथ ही उसमें हमने ऐड करनी है। ये देखो, इसको सर्व करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, इसको ऐसे सर्व करना है हमने।
गरम गरम जो पानी और मैक्रोनी होती है उसको हमने पहले बाउल में डालना है, उसके ऊपर हमने जो चिकन का कीमा है वो डालना है। जो वेजिटेरियन है वो कीमे को अवॉइड करें और बाकी सारा जो सामान है वो डालें। फिर हमने चने जो बॉईल किए हैं वो डालने हैं, थोड़े थोड़े राजमा, राजमा डालना है, उसके बाद दही, कर्ड हमने इसके ऊपर डालना है, चटनी, हरी चटनी, जो पुदीने की चटनी हमने पहले ही बना कर रखी थी, और जो सिरके वाला जो हमने बना कर रखा है सिरका और मिर्ची का जो हमने बना कर रखा है चटनी वो डालनी है। इससे बहुत ही खट्टापन आएगा आपकी डिश में। और फिर प्याज को इसके ऊपर हमने सर्व करना है, नींबू निचोड़ना है इसके साथ। नींबू निचोड़ने के बाद जो तड़का, पुदीने का तड़का हमने गरम गरम बनाया है वो हमने इस डिश के ऊपर, इस बाउल के ऊपर पूरा सर्व करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो जलने की जो स्मेल आ रही है इसी का सारा स्वाद है, इसी से हमारी जो अफगानी डिश आश है वो तैयार होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो आश है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसे आप चखने के लिए, इसका स्वाद लेने के लिए इसे जरूर घर में ट्राई कीजिए और हमारा चैनल जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को क्लिक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।